आइए बेटा। Thank you.
अंडरमाइंड है। स्कूल को यह उम्मीद है कि शायद अब की बार 90% से ऊपर स्कोर हाईएस्ट है, शायद यह लड़की उसको भी अब की बार पार कर देगी। तो गुड़िया सुधम अपने उद्गार लेकर एक हिंदी में स्पीच, गुड़िया सुधम कक्षा 10वीं से। परम आदरणीय मुख्य अतिथि व अन्य महानुभाव अतिथिगण, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, मेरे सभी प्रिय अध्यापक व अध्यापिकाएं व मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जीवन एक कसौटी है नामक शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनकर मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सही मायने में क्या है मानव जीवन, हम सभी जीते हैं और शायद ऐसे ही जीते भी रहेंगे, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को कसौटी अथवा चुनौती के साथ स्वीकार भी कर रहे हैं। हम में से बहुत कम व्यक्ति हैं जो जीवन की कसौटी पर खरे उतर पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जीवन की चुनौतियों से मुकाबला नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग जीवन के अंत में स्वयं को आए राम गए राम के रूप में खड़ा पाते हैं। असलियत में हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम जो पाते हैं दूसरों से, जो देखते हैं दूसरों में। हम एक बिजली के बटन की भांति हैं, अगर कोई चाहे दबाए तो चल पड़े, अगर कोई चाहे तो बंद हो जाए। हमने न जाने कितनी अंधविश्वासों की दीवारें अपने समक्ष खड़ी कर ली हैं। अगर कोई हमारी जरा सी बुराई करे तो हम तुरंत भड़क उठते हैं, और यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हम अपने स्वभाव से जीते ही नहीं, हम एक कठपुतली से श्रेष्ठ जीवन नहीं जी रहे हैं। हम अपनी मान प्रतिष्ठा धन संपदा व पद पाने की होड़ में कोई भी कीमत चुकाने को तत्पर रहते हैं, चाहे वह कीमत हमारे जीवन का मूल्य ही क्यों न हो, चाहे उन मंजिलों को पाने के लिए हमें घृणित से घृणित कार्य क्यों न करना पड़े। हाँ, हम इतने बुद्धिमान भी हैं कि दुर्लभ से दुर्लभ प्रश्नों का हल ढूंढ लेते हैं, मगर जीवन और मृत्यु जैसे प्रश्नों पर हमें विवश होकर हार स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि ये खेल हमारी बुद्धि से परे है जिसे हम विधाता के हवाले कर देते हैं। धार्मिक कार्यों को हम कल पर छोड़ देते हैं। अगर किसी पर गुस्सा करना हो तो तभी करते हैं, गाली तभी देते हैं, मगर ध्यान सुमरण भजन को कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। हम दूसरों के लिए अपने मन में ईर्ष्या व द्वेष के बीज बोते हैं, तो स्वाभाविक है उनके कड़वे फल भी हमें ही चखने होंगे। हम दूसरों को प्रेम बांटेंगे प्रेम मिलेगा, नफरत बांटेंगे नफरत मिलेगी। जैसा हम दूसरों पर फेंकते हैं वैसा ही पाते हैं। आज हम घनी भीड़ में होते हुए भी स्वयं को अकेला पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक का स्वभाव भिन्न है। हम भूत और भविष्य की खूंटियों से बंधकर वर्तमान को जीना भूल गए हैं। किसी संत से पाखंड के विषय में पूछने पर कहा था कि यदि पत्थर को भी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पूजा जाए तो वह भगवान, और यदि भगवान को भी बिना श्रद्धा और प्रेम के पूजा जाए तो वह पाखंड। हम भगवान से मांगते भी ऐसी तुच्छ चीजें हैं जो हमें सिवाय दुख के कुछ नहीं दे सकती। इस विषय में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, आशा करती हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारे शहर के पिछवाड़े धूनी रमाते हैं नदी के तीर एक कलयुगी फकीर, ताबीजों के निर्माता हैं आधुनिक भाग्य विधाता हैं। परसों शाम उनके पास एक लड़का आया, लड़के ने रोते रोते बताया, दिमाग का निकल गया है तेल, 3 साल से हो रहा हूँ BA में फेल। फकीर ने कहा, दिमाग की तेजी के लिए दूध पिया करो, जिंदगी को जरा ढंग से जिया करो। लड़के ने कहा, दूध तो घर की खेती है, गाय तो है मगर वह भी 3 साल से दूध नहीं देती है। फकीर ने कहा, ओ मेरे अजीज, ये ले जाओ 2 ताबीज, एक अपने गले में और एक गाय के गले में डालना। लड़का चला गया। इत्तफाक की बात है, ताबीज अदल बदल हो गए, लड़के का गाय के गले में, गाय का लड़के के गले में।
यही भूल लड़के का सत्यानाश कर गई, गाय तो बीए पास कर गई, लड़का आज तक रो रहा है, मुरादाबाद में हलवाइयों की दुकान पर दूध ढो रहा है। तो देखिए, हम ऐसी चीजें मांगते हैं भगवान से जो हमें सिर्फ दुख देती है, इसलिए और कोई नहीं है हमारे दुखों का कारण बल्कि हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अंधविश्वासों में अंधविश्वास रखते हैं अपने मन में। अब मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, अगर हमें सच्ची शांति पानी है, अनमोल रतन पाना है, तो स्वयं को पहचानना होगा, अपने मूल स्वरूप को जानना होगा, तभी हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और मानव जीवन की सार्थकता भी सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके समक्ष गुड़िया शुभम ने अपने विचार रखे और इसके मध्य में एक आपको हंसे कविता भी सुनाई, तो इसकी सुनकर मेरे को भी एक व्यक्त ध्यान आता है, ऐसा ही कुछ। यदि आप उनको ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगी। दफ्तर में आकर एक मंत्री ने एक चपरासी को डांटा, तड़ाक से लगाया कदपट्टी पर एक जोरदार चाटा, क्योंकि वह लेट आया था इसलिए चाटा खाया था। नेता ने कहा उससे, अगर लेट आया तो रोना पड़ेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चपरासी बेचारा कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाया, कम वक्त जमाना क्या करवट लेता है, एक टेम्परेरी आदमी परमानेंट को धमकी देता है। इसके पश्चात और रक्षित उसके तुरंत पश्चात बरसाने की छोरी कक्षा तीसरी व चौथी से हरियाणवी नृत्य पर आपके सामने प्रस्तुत कार्यक्रम करेंगी, तो उससे पहले कुमार रक्षित के बेटा जल्दी आइए, आपके एक हास्य कविता है बरसाने की छोरी। आपके सामने प्रस्तुत है बरसाने की छोरी, बड़ा जल्दी आइए आप, क्योंकि जितना आप विलंब करते हैं चला। Yeah.
मधुर कौशिक बड़ा जल्दी आइए इन बच्चों को जाते ही मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान है श्री संजीत राणा जी एकता बिल्डर छोटी हमारे मध्य विराजमान है श्री रमेश अंदर जी डॉक्टर बलजीत जी रिटायर्ड तहसीलदार श्री आर एस राणा जी बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का मैं फिर से पावन धरा बाबा रामदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई की तरफ से आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है कविता मधुर शर्मा चलो बेटा मधुर This old man, he played knick-knack on my door with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my knee with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my door with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my heart with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my steps with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my heaven with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my gate with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my time with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. This old man, he played knick-knack on my hand with a knick-knack paddy baggy word of a bone. This old man came rolling home. Thank you and have a nice day. इस कार्यक्रम के पश्चात आपके समक्ष लड़कों के द्वारा हरियाणवी धमाल कक्षा 10वीं से मनीष कुमार कक्षा 5वीं से कुमार ध्रुव और कक्षा 11वीं से अनिरुद्ध राणा इस बीच में रमेश भारद्वाज जी ने 500 रुपए बच्चों के भलाई के लिए दिए लीला सुनोक नरेंद्र जो कि हमारा स्टूडेंट रहा है 600 रुपए रामकर राणा जी छोटी से 1100 रुपए राजेंद्र राणा जी छोटी से जो कि हमारे बस के चालक हैं उनके भाई हैं 500 रुपए रक्षित गांव कुंडल से 600 रुपए कृष्ण दत्त फौजी सुनोक जीत राम 200 रुपए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए देते हैं स्कूल की तरफ से उनका धन्यवाद है चलो बेटा स्टार्ट Hey.
कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में, दुखिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते न मोती, मिलते न मोती, सहज पानी में बढ़ता है दूना उत्साह। इसी हैरानी में कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जवान। बापू जी को नमन हमारा। कृपा मेरा जो माइक सेटिंग करने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि आप अच्छी प्रकार से इनको सेट करें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। अच्छी प्रकार से कीजिए पहले।